SN लाइव सच सबसे आगे। सिवान में आचार संहिता लगते ही बैनर पोस्टर हटाने का कार्य शुरू। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगते ही जिले के विभिन्न जगहों पर प्रशासन द्वारा बैनर पोस्टर हटाने का कार्य शुरू हो गया है। आचार संहिता का पालन कराने के लिए प्रशासन सख्त दिख रहा है, साथ ही लोगों को आचार संहिता का पालन करने एवं बैनर पोस्टर नहीं लगाने की हिदायत दी जा रही है। जानकारी के अनुसार रविवार को महाराजगंज शहर में समेत अन्य जगहों पर बैनर होर्डिंग हटाने का कार्य शुरू हो गया है। नगर पंचायत की ईओ हरिश्चंद्र की देखरेख में नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा शहर के नया बाजार नखास चौक राजेंद्र चौक बाटा मोड़ पुरानी बाजार काजी बाजार करपुरी पथ से बैनर होर्डिंग हटाया गया। ईओ ने कहा है कि बिना अनुमति के यदि किसी व्यक्ति द्वारा होर्डिंग बैनर लगाया गया तो उसके विरुद्ध में प्राथमिकी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर दारोंदा में सीओ पूनम दीक्षित बीडीओ सूर्य प्रताप सिंह सेंगर थानाध्यक्ष छोटन कुमार की संयुक्त टीम ने दारोंदा की विभिन्न जगहों पर लगे बैनर पोस्टर हटाने का कार्य शुरू कर दिया। पदाधिकारियों के निर्देश पर दीवार व सार्वजनिक स्थानों पर लिखे गए स्लोगन आदि को पेंटिंग कर मिटाया गया। वहीं लोगों से दोबारा सार्वजनिक स्थलों पर चुनाव आचार सामग्री न लगाने की हिदायत दी गई। इस अभियान के तहत प्रखंड मुख्यालय सहित बगोरा भीका बांध डीबी बाजार रानीबारी बाजार दपनी बाजार शेरपुर बाजार सहित विभिन्न गांवों सहित बाजारों के चौराहा समेत अन्य जगहों पर लगे बैनर पोस्टर हटाने में संयुक्त टीम जुट गई। वहीं रघुनाथपुर प्रखंड मुख्यालय समेत विभिन्न जगहों पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ अशोक कुमार अंचलाधिकारी प्रत्यक्ष कुमार व थानाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा विभिन्न जगहों पर लगे बैनर पोस्टर हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही अन्य लोगों को आचार संहिता का पालन करने तथा बैनर पोस्टर नहीं लगाने की हिदायत दी जा रही है। सिवान सेशन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।